हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कितना समाज में जात पात को लेके ये जो बना दिया है ये सिस्टम नहीं है। कुछ मनुष्यों ने ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया और नाम लेते हैं भगवान का कि शास्त्रों ने वर्णाश्रम बनाया भगवान। यस, भगवान ने वर्णाश्रम बनाया, लेकिन है क्या चीज? आश्रम तो क्लियर है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट लाइफ, जिसका विवाह नहीं हुआ है वो अपना भक्ति में ध्यान दे रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है ब्रह्मचारी के। फिर होता है कोई कोई ब्रह्मचारी को कंटिन्यू करता है, जिसको लगता है कि नहीं मैं इधर हर स्टेशन पे नहीं उतरूंगा, मैं डायरेक्ट लास्ट स्टेशन पर उतरूंगा, दुरंतो ट्रेन पकड़ूंगा, ये बीच बीच में उतरना नहीं चाहिए, तो फिर वो संन्यास लेके फिर वो आगे बढ़ता है, प्रचार करता हुआ। किसी को लगता है नहीं थोड़ा सा ये भी देख लेना चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी भगवान ने बनाया, तो वो गृहस्थ आश्रम में जाता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम नित्य नहीं है, वो 25 साल के लिए, पहला 25 साल ब्रह्मचारी आश्रम, फिर 25 साल गृहस्थ आश्रम, 50 साल में अब वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वापस प्रैक्टिस, पति पत्नी साथ में रहते हैं गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ में दोनों अलग हो जाते हैं, फिर ये संन्यास लेके चले जाते हैं। यानी कि ट्रेन सीधी जा रही है ब्रह्मचारी से संन्यास तक सबके लिए। कुछ लोग बीच में उतर जाते हैं और समोसा वड़ा पाव पानी वानी, फिर जब ट्रेन चलने लगती है थोड़ा फिर जल्दी जल्दी भागते हुए ट्रेन पकड़ते हैं, वापस वहीं आना है। तो क्यों ऐसा बनाया भगवान ने? स्त्रियों के लिए ब्रह्मचारी संन्यास आश्रम नहीं है, उनके लिए गृहस्थ और वानप्रस्थ, तो उनको सुरक्षा देने के लिए भगवान जिसकी इच्छा है। तो ये आश्रम का तो क्लियर है। आजकल तो गृहस्थ आश्रम फिर भी दिखता है, बहुत कम ब्रह्मचारी आश्रम, बहुत कम संन्यास लेते हैं, वानप्रस्थ कोई दिखता नहीं। तो ये आश्रम हो गया। अब वर्ण, जहाँ कन्फ्यूजन है, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसके नीचे जो होते हैं वो तो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आते, यवन, मले, चंडाल सब आते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन है, भगवान क्या बोल रहे हैं? चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ठीक है मैंने बनाया वर्ण। तो ब्राह्मण बोलता है हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय बोलता है हम क्षत्रिय हैं, सबको मार देंगे जो हमारा हुक्म नहीं सुनेगा। अच्छा, वैश्य बोलता है मैं तो ट्रेडिंग करूंगा और भरपूर लूटूंगा लोगों को, और शूद्र बोलता है मैं काम नहीं करूंगा। तो ये है क्या चीज? भगवान ने जो बोला है उसका आगे का सुनो ना। चातुर्वर्णम, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन हुआ है। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, विवाह करता है, पिताजी डॉक्टर, माताजी डॉक्टर, जनरली ऐसे होता है ना, डॉक्टर डॉक्टर से विवाह करता है, उनका बच्चा पैदा हुआ, आपको पता है हॉस्पिटल में पैदा हुआ, पैदा होते ही तुरंत बच्चे को कोट वोट पहना दिया, अस्तित्व, अब बच्चा डॉक्टर बन गया, मानेंगे आप? 2 घंटा नहीं हुआ है जन्मे, उसको कुछ बोलने नहीं आता, कैसे खाना खाते वो नहीं पता है, वो डॉक्टर बन जाएगा? नहीं। लेकिन डॉक्टर बनने की सुविधा उसके पास ज्यादा है, क्योंकि ऐसा कर्म उसने किया है पूर्व जन्म में कि डॉक्टर के शरीर में या डॉक्टर के परिवार में उसको जन्म मिला है। तो जनरली ऐसा होता है माताजी डॉक्टर है, पिताजी डॉक्टर है, तो बच्चा जी भी डॉक्टर बन जाता है, गारंटी नहीं है, होता है ऐसा। वो वकील भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, या अनपढ़ भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही ब्राह्मण जो होता है, जो शुद्ध ब्राह्मण होता है, वो शुद्ध ब्राह्मणी से, ब्राह्मण की बेटी से विवाह करता है, ये दोनों ब्राह्मण हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि इनके घर में जो बच्चा उत्पन्न होता है, जो पैदा होता है, जो आत्मा आती है, वो ब्राह्मण बनेगी, क्योंकि घर में ब्राह्मणिकल एनवायरमेंट है, तो वो भी ब्राह्मण बन जाता है, देखता देखता वो भी कर जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण बोलना जरूरी नहीं है। कृष्ण ने स्वयं, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, महाभारत में देखिए कृष्ण स्वयं
द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म बंधु मतलब अश्वत्थामा तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है। गुण कर्म विभाग है, तुम्हारा गुण और कर्म होगा तभी ना तुम ब्राह्मण बनोगे। तुम ब्राह्मण के बंधु हो, क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र हो तो ब्राह्मण से संबंध है। तुम ब्राह्मण के बंधु हो मतलब ब्रह्म बंधु। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा जन्मजात, या क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, जरूरी नहीं। इनका आगे 18वें अध्याय में तो बताते हैं ब्राह्मण के 9 गुण क्या होते हैं। वो गुण होने चाहिए, क्षत्रिय के 6 गुण, वैश्य के 3 गुण, शूद्र का 1 गुण, ये गुण होना चाहिए। शूद्र का बेटा भी जरूरी नहीं कि शूद्र बने, वो सेवा करे ना, उसमें गुण होना चाहिए। तो भगवान गुण के हिसाब से चल रहे हैं। तो आज भी वो वर्णाश्रम है, एक तो वर्णाश्रम नाम के लिए चल रहा है, उसमें कितना लड़ाई झगड़ा हम सुनते हैं। कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो शूद्र कुल के लोगों को दूर रखता है, ये भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने सिस्टम नहीं बनाया। ये गलत धारणा है समाज में, लोग समझेंगे कि ये वर्ण जो होता है ये कर्म के और गुण के आधार पे होता है, जन्म के आधार पे नहीं होता। लेकिन हाँ, शुद्ध ब्राह्मण होता है, शुद्ध ब्राह्मणी होती है, उनके शुद्ध विचार से जब वो संतान उत्पत्ति के कार्य में लगते हैं तो आत्मा अच्छी आती है जो ब्राह्मण बनने के योग्य होती है। लेकिन गारंटी नहीं है कि ब्राह्मण बनेगा, जैसे डॉक्टर का बेटा गारंटी नहीं कि डॉक्टर बनेगा। तो ये बात को हमें समझना चाहिए। फिर कौन ब्राह्मण है? जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं और समझा सकते हैं, उनको धन संपत्ति में आसक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है और बैठा इधर से पैसा उधर से पैसा हो, फिर वो ब्राह्मण कैसे? ब्राह्मण कभी पैसा नहीं लेता। क्षत्रिय वो रूल करता है, वो भी किसी से पैसा नहीं मांगता। वैश्य जो है वो बिजनेस करता है, अपना प्रॉफिट लेता है, और शूद्र जो है वो नौकरी करता है। तो ये आज भी चल रहा है। और सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा कलौ संभवात् शूद्र, कलयुग में प्रायः सभी शूद्र हैं। अपने गुण से जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब वो बेसिक उतना ही होता है, फिर उसको बिल्डअप करना पड़ता है, गुण लाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो शूद्र से कोई वैश्य बनेगा, कोई क्षत्रिय बनेगा, कोई ब्राह्मण बनेगा, लेकिन क्या फायदा? संसार के चक्कर में फंसा हुआ है, तो इससे ऊपर कुछ है क्या? है ना, ब्राह्मण टॉप मोस्ट नहीं है, ब्राह्मण के ऊपर भी है। ब्राह्मण के ऊपर है वैष्णव, शूद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, ये सब भगवान कृष्ण की भक्ति करके वैष्णव बन सकते हैं। और वैष्णव ये वर्ण आश्रम में नहीं आते, उनके ऊपर कोई वर्ण लागू नहीं होता जो शुद्ध वैष्णव होते, वो ब्राह्मणों से बहुत ऊपर हो गए। तो फिर भगवान कैसे वर्ण आश्रम में आएंगे? भगवान कोई ग्वाले हैं वो भगवान वैश्य हैं, भगवान क्षत्रिय हैं वसुदेव के पुत्र नहीं। भगवान के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता, भगवान खुद कह रहे हैं। जब वैष्णव के ऊपर लागू नहीं होगा भगवान के भक्त के ऊपर, तो भगवान के ऊपर कैसे लागू? वे भगवान है, भगवान है, तो उनका वर्ण क्या है? वो कृष्ण वर्ण के हैं, वो कृष्ण की कैटेगरी है, कृष्ण है बस, उनका कोई वर्ण नहीं होता। तो इस बात को हम समझें कि जन्म से हो सकता है, लेकिन जन्म का गारंटी नहीं है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का बनने का या शूद्र का। प्राय जन्म से सभी शूद्र होते हैं, तो गुण डेवलप करने पड़ते हैं, इसलिए तो इतने सारे संस्कार होते हैं, इतना सारा पढ़ाई होता है। बच्चा जो जन्म लेता है उसको अबोध जात का, उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं रहती, उसको तो फिर स्कूल कॉलेज भेज के सुबोध बनाया जाता है, नहीं तो अबोध रहेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्मा है और पढ़ाई नहीं करेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा? तो ये बात को हमें समझना चाहिए। लेकिन ये वर्णाश्रम से ऊपर उठना चाहिए, भक्ति करके भगवान का भक्त बनना चाहिए। और भगवान जो वर्णाश्रम से ऊपर है, भगवान और भगवान के भक्त आनंद में बिना वर्णाश्रम के ऊपर ही रहते हैं। हरे कृष्ण।